नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमामि गंगे योजना के तहत निकाले गए रिक्तियों के बारे में। अपने चुनावी वादे के अनुसार सरकार ने बेरोजगारों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी पहल ही सही, मगर अब सरकार को बिहार के बेरोजगार युवाओं की दशा का ख्याल आने लगा है। इसी क्रम में बिहारी नमामि गंगे योजना के तहत नौकरी की बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत ही बिहार के लगभग 9 जिलों में नौकरी का यह मौका मिलने वाला है। केंद्र सरकार के इस खास पहल से बिहार के 9 जिलों में केंद्र सरकार के अंतर्गत विभाग में अधिकारी बनने का मौका मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई इन रिक्तियों के लिए कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं तय की गई है, जिसके तहत अब ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी संकाय से स्नातक या इसके समकक्ष की उपाधि यानी कि डिग्री हासिल करने वाले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा का भी आयोजन नहीं होने वाला है, केवल साक्षात्कार के आधार पर बहाली की जाएगी। आपको बता दें कि ये सभी भर्तियां नमामि गंगे योजना को आगे बढ़ाने के लिहाज से ही की जा रही है। आधिकारिक सूचना के अनुसार अब जिला योजना अधिकारी के इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिला योजना अधिकारी के लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो भर्तियां होने वाली हैं, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत की जा रही है। ज्ञात हो NYKS भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। इसका कार्यालय देश के हर जिले और प्रदेश मुख्यालय में होता है। यह संगठन ग्रामीण युवाओं को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करते हुए उन्हें व्यक्तित्व का विकास करने में भी मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उसमें बेगूसराय, भोजपुर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा और कैमूर जिले का नाम शामिल है। इसी में NYKS के अंतर्गत जिला योजना पदाधिकारी की बहाली होने वाली है। इन अधिकारियों को काम गंगा की स्वच्छता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विविध काम और विविधाओं को संचालित करने का दिया जाएगा। अब बात शैक्षणिक योग्यता की। आपको बता दें कि अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री सिर्फ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को स्वच्छता और जल प्रदूषण जैसे मुद्दों पर काम करने का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेट की जानकारी के साथ ही बातचीत में भी अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को इसके साथ ही साथ बहुभाषीय होना यानी कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी यानी कि दोनों भाषाओं की जानकारी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जनवरी 2021 को अधिकतम 35 साल की उम्र वाले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को 33,000 रुपए हर महीने फिक्स मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को अवकाश के साथ साथ इन्हें साल में 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी हालांकि आपको नेहरू युवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। इसके तहत आप सभी इन पदों से जुड़ी और इन भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी nyks.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी, जिसके बाद अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सरकार आपके लिए यह सुनहरा मौका लेकर आई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।